गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं आपको प्रिंटरों के प्रकार के बारे में बता रही हूँ कि प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें प्रिंटर के आपके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर, तीसरा है इंकजेट प्रिंटर, चौथा है लेज़र प्रिंटर, पांचवा है लाइन प्रिंटर, छठा है ड्रम प्रिंटर, सातवां है सेन प्रिंटर, सातवां चेन प्रिंटर के बाद में आठ है ब्रेन प्रिंटर, नौवां है प्लॉटर, टेंथ है साउंड कार्ड एवं स्पीकर। ये आपके 10 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। अब मैं आपको इनकी डिटेल बताती हूँ। आज के मैं आपको इस वीडियो में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, इनके बारे में डिटेल बताती हूँ। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। यह प्रिंटर के प्रिंट हैंड में अनेक पिंस का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिंस में रिबन और कागज पर स्पर्श में एक डॉट छपता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बन जाते हैं। प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 ये 24 पिनों का ऊर्ध्वाधर समूह होता है, मतलब उल्टा समूह होता है। एक बार में एक कॉलम की पिनें ही प्रिंट हैंड से बाहर निकलकर डॉट्स छापती है, जिससे एक कैरेक्टर अनेक चरणों में यानी कि अनेक स्टेप्स में बनता है और लाइन की दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ जाता है। अभी आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में बताती हूँ। तो डेजी व्हील प्रिंटर यह ठोस मुद्रा यानी कि सॉलिड फॉन्ट वाला अक्षर वाला इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसका नाम डेजी व्हील दिया गया है क्योंकि इसके प्रिंट हैंड की आकृति जो होती है एक फूल के समान होती है, यानी कि डेजी का जो फूल होता है गुलबहार कहते हैं जिसे हम, वो डेजी के यानी कि गुलबहार के फूल की तरह इसकी आकृति होती है। तो डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर होता है, लेकिन जो इसके आउटपुट होते हैं वो स्पष्ट उच्च होती हैं, स्पष्ट उच्चता वाले। लेकिन जो इसके जो मतलब आउटपुट जो अपने को रिजल्ट दिखाता है, इस डेजी व्हील प्रिंटर से अगर अपन कोई सा भी मतलब प्रिंट करते हैं तो वो इतना क्लियर दिखता है, इतना क्लियर दिखता है कि जैसे कि असली में ही वह फूल आपके सामने या फिर जो भी हमने प्रिंट करा है वो असली में ही आपके सामने रखा है, इस तरह से उसकी स्पष्टता उच्च होती है। तो यह डेजी व्हील प्रिंटर काफ़ी यूज़फुल होता है, इसलिए इसका उपयोग लेटर आदि छपाने में होता है और यह लेटर क्वालिटी पर प्रिंटर कहलाता है। तथा साथ ही इसे डेजी व्हील प्रिंटर के साथ साथ लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं। अब मैंने आपको डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में बताया। अब मैं आपको इंकजेट प्रिंटर के बारे में बताती हूँ। तो इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार की जाती है, स्प्रे करके एक कैरेक्टर और एक आकृति की छापी जाती है। प्रिंट हैंड के जो नोजल में जो स्याही की जो बूंद को चार्ज करके कागज पर उचित दिशा में छोड़ा जाता है। इस प्रिंटर का आउटपुट अधिक स्पष्ट होता है डेजी व्हील प्रिंटर की तुलना में, क्योंकि प्रत्येक कैरेक्टर दर्जनों डॉट्स से मिलकर बना होता है। इंकजेट प्रिंटर में कई मॉडल रंगीन आउटपुट भी देते हैं, इनमें रंगीन कॉर्टेज लगे रहते हैं। इस प्रिंटर में एक मुख्य समस्या यह होती है कि प्रिंट हैंड में इंक क्लॉकिंग का हो जाना, अर्थात प्रिंट हैंड के नोजल के मुँह पर स्याही जमकर छिद्रों में अटक जाती है, जिससे छिद्र बंद हो जाते हैं या बंद कर देती है। इंकजेट प्रिंटर के आउटपुट का प्रिंट क्वालिटी प्रायः 300 डॉट प्रति इंच डॉट्स पर इंच होता है। अब मैंने आपको प्रिंटरों के प्रकार में
इसके तीन प्रकारों की आपको डिटेल करवा दी है। पहला था आपका डॉट्स मैट्रिक प्रिंटर, दूसरा आपका डेजी व्हील प्रिंटर, थर्ड है आपका इंकजेट प्रिंटर। अब जो आपका फोर्थ है लेज़र प्रिंटर, और आगे भी जो लाइट प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, आगे के जो भी प्रिंटर है उन सब के बारे में आपको डिटेल करवाऊँगी लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।